कुंजन जी जी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री की तो अब काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं, तो इन दिनों जो पहले तो आप अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अपना कुछ अनुभव हो तो आप बतावें जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने सबसे पहले जो एल्बम किया था वो 2003 में किया था, तो आप समझ सकते हैं मैं काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हूँ, देखती आ रही हूँ, अनुभव है मेरे को इतने सालों का इस इंडस्ट्री का, तो काफ़ी कुछ देखा है इतने सालों में, बहुत ऊंचा जाते हुए देख रही हूँ इंडस्ट्री को, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार टेक्नीशियंस इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देख के कि हमारी इंडस्ट्री इतनी उन्नति की ओर है, बहुत अच्छा लग रहा है। तब तो बड़ा प्यार था आपस में लोगों को, बड़ी आत्मीयता थी, लेकिन इन दिनों इंडस्ट्री में कुछ अजीब तरह का विवाद देख रहे हैं, जैसे वो डायरेक्टर और खेसारी लाल का, मतलब राजकुमार पांडे जी का और खेसारी लाल जी का, उसके बाद में विवाद देख रहा हूँ, कभी वो अक्षरा सिंह हैं या कभी काजल राघवानी की चर्चा उठ जाती है, तो ये सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जिस समय हम लोग इंडस्ट्री में आए थे और हम लोग काम किया करते थे, तो इस तरह के विवाद मैंने कभी मतलब देखे ही नहीं, ना कभी सुने हैं। हम लोगों का ध्यान कला की तरफ ज़्यादा रहता था, हमारे काम की तरफ ज़्यादा रहता था। ये आजकल जिस तरह के मैं तकरीबन 4-5 साल से जो विवाद सुन रही हूँ इंडस्ट्री के अंदर, वो मतलब कुछ मेरी समझ से परे हैं कि यहाँ लोग अपने काम के लिए आए हैं या अपने पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए, ब्रेकअप्स के लिए, कि किस लिए आए हैं, वो समझ से मेरी बाहर है, वो समझ से बिल्कुल बाहर है कि चल क्या रहा है। और बाकी इस विवाद की जो आप बात कर रहे हैं राज जी और खेसारी जी का, राज जी को देखिए मैं पर्सनल तौर पर जानती हूँ, मैंने उनके साथ कई फिल्म्स में काम किया है, हालांकि खेसारी जी से मैं कभी मिली नहीं। तो जहाँ तक राज जी की बात है, तो मैंने इस तरह राज जी को कभी रोते हुए या इस तरह किसी के बारे में बोलते हुए कभी देखा नहीं है। पर्सनल लेवल पे उनका क्या मैटर है वो तो मुझे नहीं पता, और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको पर्सनल लेवल पे उस चीज़ को सुधारना चाहिए और उसको उसका कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, बजाय कि उसको इस तरह पब्लिक के बीच में ला रहे हैं। आप क्या दिखा रहे हैं, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, कि हमारी इंडस्ट्री में एकता नहीं है, हम लोगों में आपस में प्यार नहीं है? जब हम में एकता नहीं है, हम में प्यार नहीं है, तो हम अपनी फिल्मों के जरिए क्या दिखाएंगे, दर्शकों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम उनको ये मैसेज देते हैं कि आपस में प्यार बना के रखिए, हम अपनी फिल्मों के थ्रू यही मैसेज देते हैं ना दर्शकों को, कि आपस में प्यार होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, और वो हम अपनी इंडस्ट्री में ही दिखा रहे हैं कि नहीं जी, हाँ लो हमारी इंडस्ट्री में कोई एकता ही नहीं है। मतलब ये आजकल जो जातिवाद भी लगभग फिल्म इंडस्ट्री में आ गई है, जैसे यादव ग्रुप एक अलग है, ब्राह्मणों का, राजपूत का, कास्तों का, ये एक अलग ग्रुप है, और इस ढंग से कुछ अच्छा लगता है क्या ये कला के क्षेत्र में जातिवादी? बड़ी अजीब सी बात है, मतलब जातिवाद को कला के क्षेत्र में लाना, तो एक मतलब कला से तो हर क्षेत्र का इंसान जुड़ा होता है ना, आप उसको एक जाति तक ही सीमित कैसे कर सकते हैं? सब लोग मिलके ही तो कला का उत्पादन करते हैं, कला बनती है। अब कला सिर्फ एक ही जाति के लोग जुड़े रहेंगे तो मतलब कुछ समझ से बाहर है कि क्या चीज है, कि आप एक जाति तक ही कला को क्यों सीमित रखना चाहते हैं? नहीं, मतलब शक्ति प्रदर्शन, ये कौन, इसका ये इसकी नींव कहाँ से पड़ रही है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि इस चीज को कौन फैला रहा है कि हम इस जाति के हैं तो ये दर्शक हमारे भी इसी जाति के हमें सपोर्ट करेंगे और हम इस जाति के ही अपने ग्रुपिज्म में काम। हाँ, जहां तक ग्रुपिज्म की बात आई है, ये सबसे ज्यादा आजकल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है कि एक ग्रुप बन रहा है और वही ग्रुप आगे फिल्में जो भी कर रहा है वही ग्रुप चलता जा रहा है। नए लोगों को मौका देना चाहिए, नई कला को मौका देना चाहिए, बहुत फिल्म्स बन रही हैं, सबको काम दीजिए ना, किसी एक ही ग्रुपिज्म में आके उसी चीज को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? ये इंडस्ट्री का माहौल जो है देख के मुझे सच में बहुत दुख होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के, लेकिन प्रैक्टिकली अब आप क्या कहना चाहती हैं, इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए एक्चुअली? देखिए, इंडस्ट्री में जितने भी मेरे सह कलाकार हैं, मैं सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, कि कृपया करके इस तरह के कोई भी विवाद को इस तरह सोशल मीडिया पे मत लाइए। घरों में भी विवाद होते हैं, दोस्तों में भी विवाद होते हैं, अगर आप लोग सब आपस में काम कर रहे हैं तो विवाद होना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। कृपया करके इसको पर्सनल लेवल पे सॉर्ट आउट करिए, ना कि इसको इस तरह जनता के सामने ला के दिखाएं कि हमारी भोजपुरी में भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई एकता नहीं है। पहले भी काम होता था, पहले भी फिल्म्स बनती थी, बिना किसी विवाद के बनती थी, अब भी वही फिल्म्स बन रही हैं, अब भी काम हो रहा है,
तो प्लीज इस माहौल को गंदा मत करिए, इसकी हमारी पूजा है, हमारा मंदिर है, इसको मंदिर की तरह ही रहने दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।